नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये है जंतर मंतर से उस समय की जब पहलवान जो है गुरुद्वारे की ओर निकले और तकरीबन शाम का समय है ये, और जहां पर पहलवानों ने ये तय किया था कि वो हनुमान जी के दर्शन के बाद अगले दिन जो है गुरुद्वारे में जाएंगे। और देखिए ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये पूरी गहमा गहमी जो है वो इस वक्त जंतर मंतर पर देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और देखिए हम थोड़ा सा आगे चल के भी आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर पहलवान जो है अभी निकलने वाले हैं, और इनके साथ ही हम ये देख रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जो हैं वो भी इनके साथ हैं। और यहाँ देखिए आगे जो है मीडिया कर्मी हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा है, उसे थोड़ा सा और दूर आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पर पोस्टर नज़र आ रहे हैं जो कि पहलवान हाथों में जो है पोस्टर उठाकर गुरुद्वारे की ओर जाते हुए आपको दिख रहे होंगे। और सिक्योरिटी आप देखिए, सिक्योरिटी किस तरह से पुख्ता की गई है, सिक्योरिटी के जो चौकसी है वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो पुलिस की ओर से हर दिन जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसी हिसाब से चौकसी जो है बरती जाती है, बढ़ाई जाती है। आगे देखिए किस तरह से और भी ज़्यादा चौकसी बढ़ाई गई है। बैरिकेड्स जो हैं ये इस तरह से खोल दिए गए हैं ताकि भीड़ आए तो भीड़ जो है एक तरह से मैनेज की जा सके, किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना हो, किसी भी तरीके से जो है माहौल ना बिगड़े। तो ये देखिए ये इस वक्त जंतर मंतर से थोड़ी सी बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी कितनी चाक चौबंद की गई है, किस तरह से चौकसी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। देखिए यहाँ पर पहलवान यहीं से ही जो है वो गुजरने वाले हैं, और इस वीडियो के मार्फत आप ये देख सकते हैं कि पहलवानों का आज जो एक कार्यक्रम रहा गुरुद्वारे का वो किस तरह से शुरू हुआ। ये शुरुआती वीडियो है और आगे भी आपको तमाम अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप देखिए कि चौकसी किस तरह से है और चौकसी जो है वो कितनी है, और लगातार जो है हम ये विजुअल जो है वो कैप्चर करते रहेंगे। पहलवान किस तरह से आ रहे हैं, देखिए जिंदाबाद के जो है नारे यहाँ पर लग रहे हैं, पहलवान जिंदाबाद, पहलवानों का संघर्ष जिंदाबाद, इस तरीके के जो नारे हैं वो लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए ये जो है पहलवान गुरुद्वारे की ओर निकले हैं, ये तस्वीरें देखिए इस वक्त यहाँ पर ये जंतर मंतर से तस्वीरें, और यहाँ पर आप देख रहे हैं देखिए ये तस्वीरें इस वक्त विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, चंद्रशेखर रावण जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए ये जो है पहलवान निकल पड़े हैं गुरुद्वारे की ओर, और देखिए लगातार यहाँ गुरुद्वारे की ओर आप देख रहे हैं कि भीड़ आपको नजर आ रही है, किस तरह से यहाँ पर लगातार हुजूम उमड़ता जा रहा है। कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं राजस्थान भरतपुर से। भरतपुर से आए हैं यहाँ पहलवानों को समर्थन देने? हाँ बिल्कुल आए हैं। ये राजस्थान में भी रोष है क्या? राजस्थान के जिले जिले में जो है पुतले फूंके जा रहे हैं ब्रजभूषण के। जब गुरु ही जो है रक्षक ही भक्षक होगा तो फिर इस देश का कैसे काम होगा। आप देख लीजिए आसाराम गुरु जेल में है, राम रहीम जेल में है, बच्चियों का गुरु था ब्रजभूषण, और आज उसने इस तरह का अत्याचार किया है वासना की में होकर के, और आज इसको जो है बलात्कार जो है बलात्कारी है वो। हाँ तो यहाँ कब तक रहेंगे? हम लोग रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक रहेंगे। राजस्थान से हम लोग आए हैं भरतपुर जिले से, और हम लोग चाहते हैं कि बहन बेटियां देश की आबरू हैं, और इस तरीके से अगर होगा देश के लिए किसान की बेटियां मेडल लाती हैं और यहां पर मेडल ला करके पूरे जब आती हैं विदेशों से तो लोग सेल्फियाँ खिंचाते हैं। आज बहन बेटियों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। मोदी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री हैं लेकिन मोदी जी को बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि उनका एक एमपी इस तरह के घृणित कार्य कर रहा है, ये बहुत ही इसकी घोर निंदा करते हैं हम लोग। सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले। मोदी योगी जो है वहाँ पर गुंडों को जो है एनकाउंटर करवा रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा गुंडा कौन होगा जो बहन बेटियों की, इस देश में नारी शक्ति प्रधान देश है, इसमें इस तरह की घृणित कार्य करता है। निश्चित तौर पर इसकी जाँच होनी चाहिए, और जाँच होकर के आपको बताना चाहते हैं निश्चित तौर पर वो दोषी पाया जाएगा, उसको सख्त से सजा दी जानी चाहिए जिससे आगे आने वाले टाइम में ऐसा कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर पूरी पुलिस की चौकसी के बीच में पहलवान जो हैं वो गुरुद्वारे के लिए जा रहे हैं, और पुलिस की चौकसी के बीच में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो पहलवानों को समर्थन देने आए हैं वो भी यहाँ पर पहलवानों के साथ साथ हैं, वो चल रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आप देखिए, और इन तस्वीरों के मार्फत आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहलवानों को जो भी समर्थन दे रहे हैं वो यहाँ पर लगातार पहलवानों के साथ डटे हुए हैं।